नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल गुरु घंटाल में। जैसा कि हम हर दोस्तों, ये एक ग्राम की पंचायत बैठी है, इसमें कि लोग बात कर रहे हैं कि ये संसद ग्राम योजना क्या है। तभी इनमें से जन खड़े होकर पूछते हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश हमारे देश की मैडम, ये सांसद आदर्श ग्राम योजना इस तरह विकसित नहीं है जिस तरह 2018 तक उन्हें विकसित हो जाना चाहिए। मैडम कहती है, मैं बताती हूँ की माननीय योजना क्या है। भारत के गाँव की स्थिति सुधारने के लिए एक आपका 11 अक्टूबर 2014 मंत्री सांसद नरेंद्र मोदी जी ने सांसद आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत हमारे देश के गांव को विकसित किया जाएगा। हमारे देश के गांव में कई तरह की सुविधाएं लाई जाएंगी अपने संसदीय क्षेत्र। आज हम उस योजना के बारे में बात करने जा रहे हैं कि उस योजना में क्या क्या चीजें हैं, उस योजना से हमारे देश के गाँव को क्या लाभ होगा। तो आप सबका स्वागत है, आइए शुरू करते हैं हमारा आज का सफर। लेकिन यह गाँव उस सांसद का खुद का गांव और ससुराल नहीं हो सकता, यह आपकी शर्त है। इस योजना के तहत गांव के बच्चों के लिए एक अच्छा स्कूल होना चाहिए। में करीब करीब 2.5 लाख से भी ज्यादा गांव है, लेकिन दुर्भाग्य से हमारे देश का अच्छा और पक्का ग्राम पंचायत भवन होना चाहिए, विकसित नहीं है। गांव में एक धार्मिक स्थल होना चाहिए जिसके नियमित रूप से सफाई। तो हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री, अगर गांव में कोई गर्भवती महिला है तो उसे संपूर्ण आहार प्रदान किया जाए जिससे वो स्वस्थ बच्चे को जन्म दे सके। सांसद आदर्श ग्राम योजना, गोबर गैस का एक सार्वजनिक संयंत्र बनाया जाएगा ताकि गांव की महिलाएं ईंधन से उठने वाले धुएं से बच जाएंगी। मैडम आज हम दोस्तों उस योजना के बारे में बात करने जा रहे हैं, उस योजना में क्या क्या चीजें हैं, उस योजना से हमारे देश के गाँव को क्या क्या लाभ होगा। तो आप सबका स्वागत है, आइए शुरू करते हैं हमारा। इस योजना के क्रियान्वयन के लिए जिला अधिकारी को प्रमुख अधिकारी माना जाएगा। ओवरऑल दोस्तों, सांसद ग्राम योजना हमारे देश के ग्रामों को ऊपर उठाने के लिए, हमारे देश के ग्रामों में छोटी छोटी सुविधाएं को मुहैया कराने के लिए शुरुआत किया गया है। अभी अभी दुर्भाग्य है कि सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत सारे गाँव में वाईफाई की सुविधा भी प्रोवाइड की जाएगी। तो हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना नरेंद्र मोदी जी ने कैसा लगा एक आपका योजना लॉन्च की थी 11 अक्टूबर 2014 को सांसद आदर्श ग्राम।